हम नमस्कार कहते हैं। नमस्ते का मीनिंग क्या है पहले हमको यह समझना है। हम जब भी नमस्ते कहते हैं यहां से हृदय से, तो हम कहते हैं आपके भीतर में जो आध्यात्मिक शक्तियां है, आपके भीतर में जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको मैं नमन करता हूं, उसको मैं रिस्पेक्ट देता हूं। तो हम कहते हैं आपके भीतर में आध्यात्मिक शक्तियों को मैं नमस्कार करता हूं, हृदय चक्र से करते हैं, और जब ये पांचों उंगली उसके सामने रखते हैं तो हमारे भीतर की अच्छी अच्छी शक्तियां उसको छूती है। मैं ओके तो हम बताते हैं आपके भीतर की शक्ति मैं नमस्कार करता हूं। यहां काफी जैन भाई बहने हैं, मेरे ख्याल से यही तो नौकार मंत्र का बेसिक शक्तियां है। तो क्या हम तो नमस्ते जो शक्तियां है, सो व्हाट डू वी मीन, ये शक्तियां का मीनिंग क्या है? हमारे भीतर, आपके भीतर, हमारे बाहर, ये पूरे ब्रह्मांड में सब शक्तियां ही है। कुछ नॉन मैनिफेस्टेड जिसने रूप नहीं लिया है वो शक्तियां है, कोई मैनिफेस्टेड एनर्जी है हमारे जैसे रूप लिया है, या ये माइक जैसे है, या ये स्पीकर जैसे है, या वृक्ष जैसी शक्तियां है। तो या मैनिफेस्टेड एनर्जी है या नॉन मैनिफेस्टेड है, और जब भी ये नमस्कार रूप से हम पूरे दिन हमारे निकालते हैं, हमारे भीतर में से जब भी नवकार मंत्र और जितने भी सिद्ध मंत्र है अलग अलग शास्त्रों में, जैनिज्म के अंदर नवकार, हालांकि ये जैनिज्म का ही मंत्र नहीं है, नवकार मंत्र में कहां पर भी महावीर भगवान के या पार्श्वनाथ भगवान का नाम नहीं है। नवकार मंत्र इज समथिंग जो आपके भीतर से 24 घंटे रटत आना चाहिए। तो ये एक बोलने का भी तरीका है। जब भी नमस्ते हम यहां से करते, ये हृदय और जो तालुभाग एरिया है, सहस्रार चक्र है, ये दोनों को ज्वाइन करके, ये दोनों को साथ पे रखकर नवकार मंत्र बोला जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई एक नवकार मंत्र इधर आकर बता बोले। हरि अंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजयाणम, नमो लोये सव सौनम, एसो पंच नमोकारो सव पाव पलासणो मंगलानंच सव्य सिंह पढ़मा वही मंगलमा। अभी यही नौकार मंत्र जब ये बोल रहे हैं, ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन यही अगर हम आंख बंद करके फिर सुनेंगे तो ये बोलने का तरीका है। सहस्रार चक्र पे यानी तालु भाग पे चित रखकर जब भी हम नवकार मंत्र बोलते हैं या कौन से भी सिद्ध मंत्र बोलते हैं, यहां पर चित रखकर बोला जाता है। तो हमारे भीतर में जो मेरिडियंस है, जो नाड़िया है, जिसको हम चंद्र नाड़ी बोलो या सूर्य नाड़ी बोलो, मध्यस्थ नाड़ी बोलो, जो भी नाड़िया है उसको हम एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमारे भीतर में एक शक्ति है, लेकिन ये जो बोलने का जो तरीका है, इट इज टू कम विथ लव, नमस्कार,
और जब भी हम कुछ भी चीज लव के साथ कहते हैं, जब भी एक 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 समर्पित भावना से जब भी कहते हैं नवकार मंत्र को या कौन से भी सिद्ध मंत्र को, तो हम रिसेप्टिव एनर्जी बनते हैं, हम रिसीव कर सकते हैं शक्तियां को। हम सभी में वो शक्तियां है। देखो, हम क्वांटम थियरी साइंस के बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्वांटम थियरी की बात की है। हमारे ही वेद वेदांत से ये थियरी लिया हुआ है। और ये क्वांटम थियरी का मतलब ये बताते हैं वो कि ये पृथ्वी पर सभी चीज ऊर्जा है। अगर कोई भी चीज को, यानी ये बताते आगे चल रहे हैं कि अगर कोई भी चीज को या कोई भी शक्ति के अगर एटम लेवल पे अगर हम उसको लेकर आते हैं, अणु लेवल पे लेकर आता है, या हमारे शरीर के एक एक सेल लेवल पे हमको लेकर आते हैं, तो उसके खुद के प्रोटॉन्स है, उसके इलेक्ट्रॉन्स है और उसके न्यूट्रॉन्स है, ऊर्जा है। तो जब ये हमारे भीतर में 3 मिलियन से ज्यादा सेल्स है, अगर एक सेल का ये ऊर्जा है तो 3 मिलियन सेल का क्या बड़ी ऊर्जा है। तो केतन जी है या रितु जी है या प्रेम पारस जी है, ये शरीर का नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऊर्जा है तो इस ये एक वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी है, और वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी है तो उसके रिसीविंग यानी लेने की शक्ति और देने की शक्ति यानी ट्रांसमिटिंग शक्ति होती है। ये ऊर्जा का नाम अपने नाम से, जब भी हम जो नाम है वो हमारा नाम नहीं, वो ऊर्जा का नाम है। और बिकॉज ये ऊर्जा है, खुद की वाइब्रेशन है, खुद के फ्रीक्वेंसी है, तो हम हमारे वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को 100% चेंज कर सकते हैं। हम उस मैक्रो, उस परमात्मा के आत्मा है, उस मैक्रो की अगर मैं आत्मा हूं, उसका ही अंशी हूं, तो उसमें जितनी शक्तियां है उतनी शक्ति हमारे एक एक के बीच में है। ये जरूरी नहीं कि मेरे में ही है, इनमें है और बाकी सब में नहीं है, सभी में वो ही शक्ति है, बच्चे में है, आप में है, सभी में। ये शक्ति को कैसे हमको चेंज करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी कभी घर पे बनाते ना, चाइनीज डिश बनाते हैं तो अलग रेसिपी होती है, इटालियन बनाते हैं अलग रेसिपी होती है। स्लो, ओके ओके। तो सिमिलरली हम अपनी ऊर्जा को भी हमें जैसे चीज चाहिए ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सिद्ध मंत्र है, जितने भी सिद्ध मंत्र है, हमको ये एनर्जी को चेंज करने के लिए मदद रूप वाली एनर्जी है। हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो परमात्मा रूपी जो शक्तियां है, उन्होंने हमको टूल्स दिए हैं हमारे हाथ में। अभी हथौड़ा ले लो आप और उसको हथौड़े का जो लोखंड का पकड़ के लकड़ी से काम करोगे तो नहीं चलेगा, वो हथौड़ा को भी वापरने को हमको आना चाहिए। सो ये जो किस तरह से हमको हमारे भीतर में जो टूल्स पड़े हुए हैं उसको जब भी वापरना है तो एक तरीका है। एंड इफ वी यूज दिस टूल्स प्रॉपरली, सही रीत से वापरेंगे तो 1 रुपए का मेहनत है और 100 रुपए का फायदा है। बाकी 100 रुपए का काम करते रहो, 1 रुपए का भी फायदा नहीं। भगवान का नाम लेते ही या
या कौन से भी मंत्र आप बोलते हैं, मत बोलिए अगर आपको उसका तरीका नहीं मालूम है तो, हिपोक्रेट मत बनिए। बट अगर बोलते हैं तो एक ही मंत्र में हमारा ये जो कनेक्टिविटी है उसकी साथ हमको ज्वाइंट होने को आना चाहिए, हम उसके मैक्रो के हमको माइक्रो बनना आना चाहिए। और इसमें बहुत देर इज यानी कोई टफ चीज नहीं है। हमारे भीतर में वो शक्तियां है, उसको कैसे मॉड्यूलेट करना है वो इंपॉर्टेंट है। हम जब भी परमात्मा में थे, हजारों लाखों साल पहले, और हमने इच्छाएं की, उधर आनंद ही आनंद था, उधर लव था, उधर जॉय था। और हकीकत में लव और आनंद के ऊपर कोई चीज कुछ नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन अगर हम लव और जॉय को समझ जाते हैं हम परमात्मा को समझ पाएंगे। चौरासी कोटि साल जन्म पहले हम जब भी परमात्मा में थे, हमारे भी हमारे और परमात्मा में कोई फर्क नहीं था, अभी भी नहीं है, खाली उससे थोड़े अलग पड़ गए। तो जब भी हम जब भी उधर थे तब हमारे पास आनंद ही आनंद था, जॉय ही जॉय था, लव ही लव था। लेकिन उधर एक एक बॉल ऑफ ऑयल के अंदर, एक एक कमंडल ऑयल के अंदर अगर एक बूंद पानी होता है, ऐसे हमने जब भी डिजायर किए, हमको फ्री विल करना है, हमको खुद की शक्तियां ढूंढनी है या खुद की इच्छाएं करनी है, हम उसमें उसकी तरह पानी की तरह अलग पड़ गए और हम जीवन मरण के चक्कर में आ गए, जिसको हम बिग बैंग थियरी कहते हैं। परमात्मा में थी और हम उससे छूटे पड़ गए और ये ब्रह्मांड के जीवन मरण के चक्कर में आ गया। पहले पहले हमने पत्थर योनि में जन्म लिए, उधर काफी काफी पीरियड पड़े रहे। उधर से हम वृक्ष योनि में आए, उधर से हम थोड़े मूवमेंट वाले वृक्ष योनि में आए, है ना, सटन झाड़ 5-10 साल में एक आध दो इंच हिलते हैं, ऐसे झाड़ भी है। और उसके बाद जब हम एनिमल योनि में आए, उधर काफी हमारे जो हमारे हमारे भीतर में जो आत्मा में डेवलपमेंट होने को लगे, हमारे सत चित और आनंद के अलग अलग शरीर डेवलप हुए। हमारे जब तीसरा शरीर डेवलप हो गया, हम मनुष्य योनि में जब भी जन्म लिए, ये मनुष्य योनि में 84 कोटि जन्म के बाद जब भी हम आए हैं, तो व्हाट इज द पर्पज, हम क्यों आए हैं? इसलिए वन ऑफ द रीजन इज हमको उसकी पास वापस जाना है।